दोस्त कैसे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस टाइप का रूम चाहिए। क्या आपको 1 BHK रूम चाहिए, क्या डबल रूम और किचन चाहिए, क्या आपको 3 BHK रूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, हॉल रूम चाहिए, फर्निश किचन चाहिए, मॉडल किचन चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, कमर्शियल फैमिली के लिए चाहिए, बैचलर के लिए चाहिए। भैया मैं काम करने आ रहा हूँ उसके लिए मुझे चाहिए, क्या मिल जाएगा। तो भाई मैं आपको 3 टाइप के रूम दिखाने वाला हूँ। पहला मैं आपको 1 BHK दिखाऊंगा वालकनी के साथ, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा डबल रूम और एक किचन दिखाऊंगा, तीसरा मैं आपको मॉडल किचन के साथ 3 बेडरूम, एक हॉल रूम और एक बालकनी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक एक जैसे कि 3 रूम है, एक रूम एक कॉमन रूम है, कॉमन रूम आपके फैमिली के लिए है और एक मास्टर बेडरूम के साथ लैटरिन वॉशरूम अटैच है। तीनों का मैं वीडियो दिखाऊंगा, कौन सा लोकेशन किस बजट में किसके लिए रूम अवेलेबल है, कहाँ पे है, किस रेंज में है, सारा फैसिलिटी आपको इस वीडियो में मेंशन होने वाली है। और मुझसे कांटेक्ट कैसे होता है, मेरे से बात कैसे होगा, मुझसे कांटेक्ट कैसे कर पाओगे, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मेंशन होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो 1 BHK का जो रूम है मैं उसको दिखा देना चाहता हूँ। पहले 1 BHK दिखाइएगा भैया, 3 BHK को दिखाइएगा, पहले 1 BHK का देख लो ना भाई, फिर मैं 2 BHK का फिर 3 BHK का दिखाऊंगा। तो पहले जो 1 BHK का रूम है वो देख लो। ये आपका बेडरूम है, इधर से ये आपका बालकनी हो गया अच्छा खासा, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है और बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा। और ये आपका रूम हो गया, और ये रूम है आपका, रूम के साइड में ही आपका ये है किचन, तो किचन का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और ये है आपका बेडरूम, तो काफ़ी बेस्ट रूम है और बजट में है। एक बार मैं आंटी से पूछ लेता हूँ इसका बजट कितना है। भाई इसको ना बोल ही नहीं सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। बट भैया इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन आपको मिल जाता है पटना जंक्शन तरफ। कहाँ पे? पटना जंक्शन रामकृष्णा नगर साइड। भाई रामकृष्णा नगर साइड काफी अच्छा लोकेशन है, आपको बगल में मेडिकल मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा, सारा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। जॉब मिल जाएगा क्या? जॉब का तो नहीं बता सकता, बाकी आप कंपटीशन का तैयारी करो, जनरल का तैयारी कर रहे हो, या आप लाइब्रेरी खोज रहे हो, या आप जिम खोज रहे हो, तो सारा फैसिलिटी आपको इस रूम के आसपास मिल जाता है। भैया ये किसके लिए है, क्या कपल्स को मिल जाएगा, बैचलर को मिल जाएगा? तो भैया ना कपल्स को मिलेगा ना बैचलर को मिलेगा, ओनली गर्ल्स और फैमिली को मिलेगा। अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स मिलकर ले सकते हो, या फैमिली वाले तो फैमिली वाला मिल सकते हो, बाकी लड़का बैचलर के लिए ये रूम अवेलेबल नहीं है। बात आती है भैया 2 BHK का जो रूम था, 2 रूम और एक किचन था, उसका कैसा रूम है, मुझे एक बार रूम का वीडियो देखना है, तो वीडियो देख लीजिए। देख दोस्तों ये रूम है, रूम तो काफी बड़ा है, बाकी वॉशरूम कॉमन है, बट ठीक है, मेन रोड के अरगोड़ा चौक के साइड ही में है तुम्हारा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। रूम काफ़ी अच्छा है और दादी है, और इसके सामने ही किचन है, और ये किचन है तुम्हारा छोटा सा, गेट नहीं लगा हुआ ना, गेट नहीं लगा हुआ, और ये तुम्हारा गली है, और ये हम सब का वॉशरूम है, मतलब तो कोई वॉशरूम है, ये वॉशरूम है और ये लैट्रिन है। कितना रेंट है भैया ये सब? 3,500 है। इधर बाइक लगने की जगह है ना, बाइक इधर से बगल में ही अरगोड़ा चौक है। भैया कैसा लगा, मतलब कैसा लगा ये? अच्छा है ना, काफी अच्छा है, मतलब डबल डबल बड़ा बड़ा रूम है, डबल डबल, बाकी इसमें किचन आपको किचन सेपरेट है, बाकी वॉशरूम कॉमन है। भाई वॉशरूम कितना लोग यूज करते हैं, बट मैं भूल गया, आंटी लगता 4-5 लोग बोले गए, बाकी वॉशरूम भी आपका कॉमन है, मैं इतना जानता हूँ। इसका रेंट समथिंग लगता है 4,000 से 5,000 रुपया। भैया ये कहाँ पे? संजय नगर में। कहाँ पे? संजय नगर में। तो क्या इसे बुक करना चाहते हो भैया? इसके किस इसमें किस कौन कौन लोग? भाई इसमें बैचलर भी रह सकते हो, लव मैरिज कपल्स भी रह सकते हो, और या क्या बोलता हूँ फैमिली भी रह सकते हो, तो काफी अच्छा है, काफी चीप बजट है, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। बात आती है भैया वो जो मॉडल किचन 3 रूम एक रूम के साथ लैट्रिन वॉशरूम और बालकनी, वो वाला रूम कहाँ है? तो रूम का वीडियो देख लीजिए। रूम कैसा लगा? रूम ठीक है ना जी? भैया रूम तो काफी अच्छा है, लगता है नया नया फ्लैट ही बना है। रेंट कितना है भैया इसका? तो इसका रेंट आपको 12,000 या हाँ 12,500 तक आपको ही हो जाने वाली है। भैया बहुत ज्यादा बजट है, अभी सुन तो लो, एडवांस कितना है? तो एडवांस आपको इसमें 40 से 45,000 रुपया देना पड़ता है, 40 से 45,000 रुपया एडवांस।
बहुत जगह तो 1 मंथ का एडवांस लेता है, बाकी फ्लैट है भाई, फ्लैट में 40 से 45 हजार रुपए ही एडवांस देना पड़ता है, तो कम ले रहा है। कोई कोई 1 लाख रुपया लेता है, कोई कोई 1.5 लाख रुपया लेता है। हाँ, बाकी 11 मंथ का आपको एक रिमेंट भी करवाना पड़ेगा। अब समझ लो कि ये सब कौन लोग करेंगे, तो कॉमर्शियल फैमिली हो तो आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि आपके बजट अच्छे होते हैं। इसमें सारे लोग जॉब करते हैं तो 12-15 हजार नॉर्मल बात है इन सब के लिए। अगर आप कॉमर्शियल फैमिली हो तो ये आप ले सकते हो। नॉन वेज वेजिटेरियन कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो भी खाना चाहो रूम पे खा सकते हो। बाकी भाई मतलब हिंदू विरोधी वाला चीज नहीं खाना बस, और हिंदू ही रह सकते हो, इसमें मुस्लिम के लिए नहीं है। तो ये तीनों में से अगर आपको कौन सा रूम अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा आप इसे, हाँ भैया 3 BHK का पुनदाग में, कहाँ पे पुनदाग में, तो जो भी इधर आसपास स्कूल मिल जाएगा आपको, और अगर आपके पास कारोबार है तो आने के लिए रास्ता पार्किंग का भी स्पेस मिल जाता है। अगर पार्किंग लगाते हो तो 2000 या 1500 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगने वाली है। चलिए भैया ये सब तो हो गया, आपसे कॉन्टेक्ट कैसे होता है? भैया यूट्यूब पे जाइए, देखिए जहाँ सब्सक्राइब हो वहाँ पे ज्वाइन बटन लिखा होगा, ज्वाइन को उसको ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सअप नंबर कॉल नंबर लीजिए और जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए। बात आती है भैया मुझे बोरिंग रोड में रूम चाहिए, तो भैया बोरिंग रोड में तो मैं आपको नहीं दिलवा सकता हूँ, बाकी बोरिंग रोड में आपको रूम दिलवाने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं अच्छे ब्रोकर का आपको नंबर दे सकता हूँ, जो जिनके पास रूम रहेगा अवेलेबल तो आपको 100% करवा देंगे। बाकी ब्रोकर का जो भी प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस सब लोकेशन में अगर आपको रूम चाहिए तो जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।